वेलकम टू एनके क्लासेस। पिछली क्लास में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस समझा था कि स्ट्रेस क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होती है। आज हम इसमें स्ट्रेन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होती है वो देखते हैं और इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस रिवाइज कर लेते हैं। सो स्ट्रेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जो भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको जो रजिस्ट करता है, रजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नाउ आज हम स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे, स्ट्रेन क्या होती है और वो कितनी टाइप्स की होती है। सो स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए एक बार है जिसपे की एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पी और इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल। नाउ जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उसके कारण इस बार में कुछ इलोंगेशन आएगा जिसको हम बोल सकते हैं डेल एल। अब ये जो इलोंगेशन आया है इसमें, इलोंगेशन इन दी बार डिवाइडेड बाय उसकी जो ओरिजिनल डायमेंशन है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। सो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमारा डायमेंशन में क्या चेंज आया है, डेल्टा एल, और ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी हमारी, एल। सो एप्सिलॉन हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एल बाय एल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेन हो जाएगी। नाउ अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो एज इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ बाय लेंथ, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मींस ये कैसा रहेगा, यूनिटलेस रहेगा। सो स्ट्रेन कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन हमारा डेल एल होता है और ओरिजिनल डायमेंशन हमारा कितना है, एल है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल एल बाय एल। नाउ हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन चार तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेन, सेकेंड होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन, थर्ड होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड द लास्ट वन फोर्थ होता है आपका शियर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। सो एक एक करके इनको देखते हैं, डिफाइन करते हैं हम कि टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होती है। सो सबसे पहले समझते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेन। सो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगी कि जब भी हम किसी भी मटेरियल में टेंसाइल फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण जो उसमें इलोंगेशन आता है उस स्ट्रेन को हम क्या बोल देंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। जैसे इस डायग्राम में इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स के कारण जो उसमें इलोंगेशन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन। और हम इसको कैसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, तो ये डेल्टा एल क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। तो ये वाली जो स्ट्रेन होती है वो कौन सी स्ट्रेन होती है, टेंसाइल स्ट्रेन होती है। अब नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन को देखते हैं। सो कंप्रेसिव स्ट्रेन कब डेवलप होती है, जब किसी भी मटेरियल पे कैसा फोर्स लगे, कंप्रेसिव फोर्स लगे। अब जब मटेरियल पे कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो वो डिफॉर्म हो जाता है। सो जो उसमें डिफॉर्मेशन आता है डिवाइडेड बाय जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कंप्रेसिव
स्ट्रेन बोल देते हैं। अब नाउ यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है। थर्ड डिफाइन करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है कि जो भी आपका चेंज इन वॉल्यूम होगा लोड लगाने के बाद किसी भी मटेरियल में, जिस उसमें चेंज आएगा वॉल्यूम में, डिवाइडेड बाय जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे मान लीजिए किसी मटेरियल में जो चेंज इन वॉल्यूम में डेल्टा वी है और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम वी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाउ द लास्ट वन, शियर स्ट्रेन। सो शियर स्ट्रेन क्या होती है कि जब भी आपका शियर फोर्स लगता है तो वहां पे क्या होता, शियर स्ट्रेन डेवलप होती है और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई से। अब मान लीजिए डेल है, ये एच हाइट है, तो डेल कितना हो जाएगा हमारा, फाई कितना हो जाएगा हमारा, डेल बाय एच। तो ये हमारी क्या हो जाती है, शियर स्ट्रेन, जो कि प्रोड्यूस्ड होती है शियर फोर्स से। सो स्ट्रेन समझ में आया, स्ट्रेन जो है आपका क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये आपके चार तरीके से होते हैं। पहला होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेन, दूसरा होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन। यहां पे देखिए, पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेन, दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन, तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और चौथा है शियर स्ट्रेन। जो आपका टेंसाइल स्ट्रेन है वो टेंसाइल फोर्स के कारण डेवलप होती है, जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो कंप्रेसिव फोर्स के कारण डेवलप होती है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है जो वॉल्यूम में चेंज आता है उसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप होती है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, एंड द लास्ट वन शियर स्ट्रेन, जो कि आपके क्या शियर स्ट्रेस के कारण डेवलप होती है। मींस जब भी शियर फोर्स लगता है तो उसमें कुछ इलोंगेशन आता है और वही हमारा क्या हो जाती है, शियर स्ट्रेन।